नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्रीज़ में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन जितने भी कमेंट हैं, लगभग कमेंट में कंप्लीट इसमें करने की कोशिश करूंगा। इसमें फ़ायदा आपको तो भाई जो कमेंट कर रहे हैं उनको तो होगा ही होगा, बाकी यही कमेंट हज़ारों लोगों के सेम होते हैं। ठीक, आप वीज़ा से रिलेटेड पूछना है दुबई का तो क्वेश्चन तो एक है, लेकिन जाने वाले तो लाखों है ना, तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उनके लिए फ़ायदा है। तो कमेंट में के आंसर वीडियो के माध्यम से दूंगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इसमें कहाँ आपको आंसर आपका मिल जाता है वो आपकी किस्मत की बात रहेगी, बाकी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें कि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मोहम्मद जावेद बोलते हैं, अशोक जी नमस्कार, मैं ओमान से 6 मार्च को आया था, ओमान जाना है, 2 सितंबर को 6 मंथ हो जाएगा, क्या 6 मंथ के बाद ओमान जा सकता हूँ? मेरा वीज़ा अभी 27 अप्रैल 2021 तक वैलिड है, प्लीज़ रिप्लाई। कोई भी नहीं रोकने वाला आपको, बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैंने एक ओमान का वीडियो अलग से अपलोड किया है, उसमें आप देख लीजिए, आपको कुछ अप्रूवल लेने होंगे कंपनी के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं। वीज़ा आपका वैलिड है तो आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीज़ा वैलिड होना चाहिए, छुट्टी एक्सपायर हो गई कोई वैल्यू नहीं है, खमा एक्सपायर हो गया कोई वैल्यू नहीं है, सरकार ने ओमान सरकार ने ऑप्शन दिया है। तारिक बोलते हैं, इंडिया से कुवैत कब फ्लाइट ओपन होगी? इंडिया से कुवैत के लिए तो भाई देखिए, पहले तो बता दूँ कुवैत फ्लाइट चालू करे, इजाज़त दे भाई कुवैत, ठीक है, उसके बाद में इंडिया के साथ एयर बबल्स में उनका समझौता हो तब जाके फ्लाइट चालू हो, दोनों देशों का कॉम्प्रोमाइजन होना जरूरी है। एयर बबल्स में अग्रीमेंट होता है, आपकी फ़्लाइट इतनी आएंगी, उधर से तो नॉर्मली फ़्लाइटें आ रही हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं आ रही, इधर से एक भी फ़्लाइट नहीं जा रही है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ जो टीचर्स हैं उनके लिए जा रही है, बाकी कोई फ़्लाइट नहीं है। तो वो कुवैत पे डिपेंड करेगा, हम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लगभग 31 कंट्रीज़ को बैन करके रखा है, उसमें इंडिया भी शामिल है। फैशन बोलते हैं, सर दुबई का विजिट वीज़ा 12 मार्च को अप्लाई किया था, पैसा कट गया था, अभी वापस पैसा रिफंड होगा देगा या वीज़ा देगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं बता दूं भाई, देखिए 12 मार्च को आपने वीज़ा अप्लाई किया था, इसमें बड़ा झोल है, एजेंट इसमें पैसा खा जाएंगे आपका, लेकिन याद रखें जिस भी एजेंट को आपने पैसे दिए हैं वो बोलता है कि पैसे कट गए आपका वीज़ा, अगर पैसा कटा है तो वीज़ा मिला है, ये तय बात है, कोई एविडेंस मांगिए कि पैसा कट गया तो कोई तो सबूत दीजिए, क्योंकि पैसे तो सरकार के खाते में जाते हैं, वहाँ पर वीज़ा निकलता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, वहाँ उसमें जाते हैं, अगर पैसा कटा है तो एविडेंस होगा, पैसा नहीं कटा है तो इसका मतलब वीज़ा अप्लाई हुआ ही नहीं आपका, तो पैसा जिसको दिए उसी के पास है, समझ गए, तो उसको बोलो पैसा रिटर्न कर या वीज़ा दे, दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। हाँ, वीज़ा आपका आ चुका है मार्च में, 17 मार्च से पहले तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसका रिफंड अभी तक कोई सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया है, बीच में एक बार बात निकल के आई थी कि हम उनका वीज़ा के बदले वीज़ा दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संजीव कुमार जी पूछते हैं, सर कुवैत का वीज़ा कब खुलेगा? जी हाँ भाई, देखिए कुवैत का वीज़ा अभी तक तो कुवैत में 31 अगस्त तक तो वैसे ही लॉकडाउन ही था, 40-50% ओपन हुआ है, फ्लाइटें बंद हैं, काम बंद है कुवैत में, और वीज़ा मेरे पास भी इतने ऑफर लेटर आ रहे हैं कुवैत के, हद नहीं है, बिना मतलब के फोकटिया ऑफर लेटर हैं, कोई सेंस नहीं बनता, कोई अभी तक वीज़ा है नहीं, और वीज़ा मुझे लगता है अभी इतना जल्दी कुवैत स्टार्ट भी नहीं करेगा, ये दिमाग में रखें। मुझे जहाँ तक लग रहा है नई साल में 1 जनवरी में, सोचो आप अभी 3 महीने कुछ नहीं होने वाला कुवैत में, मुझे जहाँ तक लग रहा है, पर्सनल राय बता रहा हूँ, बाकी कोई एजेंट बोलता है तो झूठ बोल रहा है, वीज़ा कोई अभी तक चालू हुए नहीं है, और अभी तक तो फ्लाइट ही चालू नहीं है, तो वीज़ा का तो दूर तक की बात है, उनको तो छोड़ दो आप। अल्तमास खान बोलते हैं, सर आईसी अप्रूवल और GDRFI का क्या मामला है, इस पर वीडियो बनाएं? बिल्कुल भाई, मैंने GDRF और इस पर आईसी अप्रूवल पर वीडियो बना दिया है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं, आज ही बनाया है और आजकल में वो अपलोड भी हो गया होगा, आप उसको देख सकते हैं। दुबई के लिए GDRFA की ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल की, और दूसरी जैसे अबू धाबी शारजा के लिए ICA की रिपोर्ट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी अप्रूवल की, तो आप देख सकते हैं वीडियो में पूरी डिटेल बताई गई है। वर्जमान बोलते हैं, जयपुर एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन के बारे में जानकारी दें। भाई देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पे आओगे 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद 7 दिन आपको घर पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसमें 7 दिन सरकारी फ्री खर्चे पे भी आप रह सकते हो, या फिर आप होटल में आपके खुद के पैसे से भी रह सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जिस भी कंट्री से भी आ रहे हैं 96 आवर्स पहले कि अगर आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है, PCR रिपोर्ट है, तो आप एयरपोर्ट पे दिखा के सीधा घर जा सकते हो, यानी क्वारंटाइन ख़त्म और क्वारंटाइन है, दोनों ऑप्शन है, अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बंगला बोलते हैं, सर मेरा टूरिस्ट वीज़ा आया है दुबई का, तो क्या मैं जा सकता हूँ दुबई? भाई वीज़ा आया है तो क्यों नहीं जा सकते, कौन रोकेगा आपको? वीज़ा आपके पास है, अप्रूवल आपके पास, विजिट वीज़ा में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका PCR टेस्ट जरूर करवा लें, नेगेटिव रिपोर्ट 96 आवर्स पहले की होनी चाहिए,
आप जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रेम सिंह बोलते हैं, सर दुबई जेल में मेरा भाई फंसा हुआ है, सजा 1 मंथ की थी, अब 7 मंथ हो गए हैं, इंडिया नहीं आ रहा है, हम उसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, प्लीज़ सर बता दीजिए मेरा फ़ोन नंबर। भाई फ़ोन नंबर मुझे तो देने की ज़रूरत आपको है नहीं, और उसके 1 महीने की सज़ा थी, 7 महीने हो गए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके और कोई वहाँ पे केस लगा होगा या कुछ रीज़न होगा। तो यार दुबई में तो बहुत जनता रहती है, आपके जानकार रहते हैं, जहाँ वो रहता है वहाँ भेज के पता कर लो ना, आप पता लग जाएगा क्यों नहीं निकल पा रहा है। जबकि सरकार का अब ये हो सकता है COVID-19 का ये प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीने की सज़ा थी, 7 महीने हो गए, और 6-7 महीने से क्वारंटाइन चल रहा है, ये चल रहा है अपने कोरोना चल रहा है, तो कैसे आएगा फिर, ये प्रॉब्लम है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी और तो उनको, क्योंकि सज़ा पूरी होने के बाद तो वो वापस डिपोर्ट कर देना उस कंट्री को, जिसका है उसी को वापस भेज देते हैं, एयरपोर्ट पे आके बिठा के ब्लॉक लिस्ट करके वापस भेज देते हैं। लतीफ़ बोलते हैं, सर आपको काफ़ी बार लिख चुका हूँ, होम क्वारंटाइन के लिए बताएं 3 स्टार 5 दराम से, यानी 305 दराम हो सकता है शायद ये, यानी 6,500 रुपये लगाकर कोरोना वायरस की चेकिंग करवाते हैं, फिर इंडिया में 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, इसका क्या फ़ायदा। भाई किसने बोला आपको कि आप COVID-19 की रिपोर्ट दुबई से लेके आएँ फिर आपको 7 दिन रहना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल गलत बात है, किसी ने बोला है तो झूठ बोला है। अगर आपके पास 96-96 घंटे पहले की रिपोर्ट है इंडिया आने तक एयरपोर्ट तक, तो आपको सीधा आपकी वो रिपोर्ट दिखाओ और घर जाओ, कोई मायका लाल आपको नहीं रोक सकता, कोरोना वहाँ पे टेस्ट 7 दिन क्वारंटाइन नहीं कर सकता। महेश कुमार जी पूछते हैं, दुबई जाने के लिए अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो भाई देखिए, दुबई का वर्क परमिट वीज़ा में जाना चाहते हैं तो GDRF का आपको, FA का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो आप अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि कैंसिल कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है, रेड सिग्नल आ रहा है, तो ये मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको स्टॉप किया हुआ है। अगर ग्रीन आ रहा है तो आप जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लें अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो। बाकी अगर अप्रूवल GDRF वेबसाइट पे लिंक पे जाके फॉर्म भरें, अप्रूवल मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लें, COVID-19 की रिपोर्ट लें, टिकट बनाएं, चले जाएं। गोल्डन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बम्बई से मस्कत ऑर्डिनरी रेगुलर फ्लाइट कब स्टार्ट होगी। भाई बॉम्बे से मस्कत के लिए फ़्लाइटें, मस्कत एकदम रेडी टू मूव है, मस्कत की तरफ से ओपनली कर दिया गया है। अब इंडिया के साथ कब समझौता हो जाता है रेगुलर फ़्लाइटों का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी रेगुलर फ़्लाइटें इंडिया से कोई भी कंट्री में नहीं जा रही हैं, सब की सब फ़्लाइटें एयर बबल समझौते के हिसाब से जा रही हैं, तो उसमें अभी टाइम लग सकता है। पुराना गौरव बोलते हैं, सर सऊदीया से आए हुए हैं, वो कब तक जा पाएंगे। भाई सऊदीया से आए हुए हैं, वो जैसे इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट चालू होंगी वो जा सकते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से सऊदी में जो कोरोना अपडेट डाउन होता जा रहा है, तो हो सकता है 5 दिन 10 दिन या 15 अगस्त तक फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएँ, तो आप उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।